डाउट्स में अटकते, सब्जेक्ट्स में लटकते, कब तक हम रहेंगे सर पटकते, अब वेदांत देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। हाय किम, हाय माय, तो मजा आएगा तो समझ आएगा, बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे, डाउट सारी जिंदगी से आज। आई गॉट योर डाउट, दिस इज योर आंसर। समझ आएगा तो Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. Hi kids, how are you doing? Welcome to another super cool, super awesome and absolutely amazing session on India's most loved bio channel called the We Biotonic. So I am Dr. Vani in front of you on behalf of the world's most amazing educational platform called Vedantu. It's a matter of great pride and privilege for me to be standing here in front of you on behalf of Vedantu, taking this amazing, tough, interesting and super cool class on Hardy-Weinberg principle. Hardy-Weinberg principle pe bahut sare MCQs aate hain. They're usually extremely tough MCQs. Ye wo MCQs hote hain jinme thodi si calculation karni padti hai, and iske alawa bottleneck phenomenon and you know founder effect jaise kuch thode se tricky conceptual se questions aate hain exam mein, jinke concepts aaj main aapke liye crystal clear karne ke liye yahan pe hu. So without any further delay and without taking any of your time, my dear kids, come on, that's why I always say come on time. Let's start today's amazing class. I'm sure aap hamara super cool advertisement prime time pe dekh rahe ho, and I'm sure you're loving all of us in the advertisement there, and you're spreading the word of the bestest platform of education called Vedantu to each and everybody in your family members. Yes, agar aapne advertisement nahi dekhiye to please jaiye aur dekhiye. Aur I hope aapko ye bhi pata hai ki bahut hi jaldi hum crash course launch karne wale hain. Yaar hamara super 30 wala sprint aane wala hai. Yes, kitne sare teasers launch ho chuke, so make sure you become a part of our super amazing channel. तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद दैट एंड Hardy-Weinberg प्रिंसिपल पे आगे चलते हैं. सो इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू, यस, इन टुडेज क्लास दिस इज एनीवेज योर फेवरेट वाणी मैम. आई होप यू ऑलरेडी नो मी वेरी वेल. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लव, योर एप्रिसिएशन दैट आई हैव बीन एबल टू बैग दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड ट्वाइस. Yes, the TCON, the Teachers Conclave, the largest teachers conclave ever to be hosted, powered by Vedantu in India. Cool. चलो, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और टेलीग्राम ग्रुप जो है ना वो अभी पब्लिक हो चुका है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है. टेलीग्राम ग्रुप जो है वो अभी पब्लिक हो चुका है. आप सिर्फ वेदांतु, सब कुछ स्मॉल है, वेदांतु भी कैपिटल नहीं लिखना है, यहां लिख देती हूं. तो अगर आप सिर्फ वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक डाल दोगे ना, सब स्मॉल में है, यू विल बी एबल टू बिकम अ पार्ट ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीग्राम ग्रुप फॉर बायोलॉजी इन आवर कंट्री. यस, ये हमारी ऐप है, बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, बहुत इंफॉर्मेशन आपको देनी है. तो VDMIC करके कोड है, वानी ढींसा MIC माइक्रो का. कैन यू इमेजिन अप टू 95% ऑफ आपको इसके थ्रू मिल सकता है. सो प्लीज इस ऐप को डाउनलोड करिए, इस ऐप से जुड़िए, और बहुत सारे हमारे माइक्रो कोर्सेज, बहुत सारे डाउट सॉल्विंग वाली यू नो नई नई टेक्निक्स हैं. सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन देम. तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कूल क्लास. बट बिफोर दैट माई टीम रिक्वेस्ट मी कि यार हमारा नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है, तो बहुत जल्दी हमें सिल्वर प्ले बटन मिलने वाला है. सो मेक श्योर, यस, स्क्रीन भी ब्लैंक हो गई कि अभी सिल्वर ले आओ इसके ऊपर, कि अभी बहुत जल्दी हमें सिल्वर प्ले बटन मिलने वाला है. सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर अमेजिंग चैनल. चलो शुरू करते हैं आज की क्लास. Hardy-Weinberg प्रिंसिपल. सो यू कैन सी टू पीपल हियर, वन ऑफ देम इज कॉल्ड G.H. Hardy एंड द अदर वन इज कॉल्ड W.Weinberg. एक का नाम है G.H. Hardy, दूसरे का नाम है W.Weinberg. क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा दैट द अलील फ्रीक्वेंसी, अलील इज अ फॉर्म ऑफ अ जीन, मैंने आपको जेनेटिक्स भी पढ़ाया है, द ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन, जैसे हाइट की एक जीन है कैपिटल टी और दूसरी जीन है स्मॉल टी. सो द ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन वो अलील कहलाती है. एक अलील की फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन. अगर एक रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन है, ऐसी पॉपुलेशन जहां कोई भी किसी के साथ भी मेट कर सकता है, वहां पे अलील की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है. मान लो मैं टॉल लोगों को मेटिंग से रोक देती हूं, मान लीजिए मैंने टॉल लोगों को बोला कि आप लोग मेट नहीं करेंगे, सिर्फ ड्वार्फ लोग मेट करेंगे, तो 5-6 जनरेशन बाद आप देखोगे कि कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, क्योंकि मैंने उनको मेट करने ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ बोला कि शॉर्ट लोग मेट करेंगे. सो इन्होंने कहा कि अगर एक रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन है तो अलील फ्रीक्वेंसी सेम रहती है,
और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि जब भी अलील फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी किसी भी कारणवश, कभी भी जब भी अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, अगर अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है उसका मतलब सिर्फ एक है. क्या है मतलब? वहां पर एवोल्यूशन हो रहा है. द जीन पूल और द टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जीन पूल जो है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, अलील की फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट होती है. अगर किसी भी कारण से अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, अलील्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, दैट मीन्स, क्या मतलब है उस चीज का? दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन, यू गॉट इट राइट, क्या मतलब है उस चीज का? दैट मीन्स एवोल्यूशन हो रहा है. दिस सो कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, राइट? अगर एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो एवोल्यूशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए तो वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है. सम टोटल ऑफ द एलील फ्रीक्वेंसी इज अ कॉन्स्टेंट नंबर वन. अगर एक रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन है जिसमें कोई एमिग्रेशन या इमिग्रेशन नहीं हो रहा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी इज अ कॉन्स्टेंट नंबर. तो आपको पता है एक अलील डोमिनेंट होती है, एक अलील रिसेसिव होती है, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने फॉर्मूला दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं और वो फॉर्मूला अच्छे से देखते हैं. लास्ट में हम क्विज भी सॉल्व करेंगे. अगर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पी एंड क्यू आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील्स ए एंड ए रिस्पेक्टिव. ये आपकी डोमिनेंट अलील है, ये आपकी रिसेसिव अलील है. डोमिनेंट अलील कितनी बार आ रही है, मान लीजिए पी बार. रिसेसिव अलील कितनी बार आ रही है, मान लीजिए क्यू बार. The frequency of capital A is P square. That is the probability of an allele capital A with frequency small p is the product of the probabilities P square. Small p कितनी बार आ रही है? तो कितनी बार repeat हो रही है, हमने उसको क्या बोल दिया? P square. दो बार. Small a, Q square. और जो heterozygous है, capital T small t की तरह, जो heterozygous है उसको हमने क्या मान लिया? 2PQ. तो हमें पता है कि डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील और हेटरोजाइगस सब क्या है, अलील फ्रीक्वेंसी क्या रह रही है, कॉन्स्टेंट. अगर ये वैल्यू वन से चेंज हो जाए, अगर ये वैल्यू वन से चेंज हो जाए तो क्या होगा? यस, अगर ये वैल्यू चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट, रिसेसिव, हेटरोजाइगस, तो क्या हो रहा है? एवोल्यूशन होगा. अगर ये वैल्यू वन से चेंज हो जाए तो क्या होगा? एवोल्यूशन. कब होगा, कैसे होगा, आइए देखते हैं. तो ये हार्डी विनबर्ग कहकर गए थे. डन एवरीबडी? चलिए तो इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. तो इस स्लाइड में हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. हार्डी विनबर्ग लॉ, फिनोटाइप्स क्या हैं आपके, राइट? ये दिख रहा है आपको? यस, ये दिख रहा है हेटरोजाइगस, हो सकता है ये डोमिनेंट कलर हो, और ये दिख रहा है आपको स्पेकल्ड रिसेसिव वाला, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइज आप मान लीजिए 500, आपने गिन लिया कॉन्स्टेंट. टोटल नंबर ऑफ फ्लाइज आपने कितनी मान ली? 500. समझ में आया आप सबको? आ रहा है समझ में? टोटल नंबर ऑफ फ्लाइज आपने कितनी मान ली? 500. डोमिनेंट कितनी है? 320. रिसेसिव 20, करेक्ट? और हेटरोजाइगस 160. सो डोमिनेंट की रेशियो कितनी है? टोटल 500 थी, करेक्ट? हेटरोजाइगस की कितनी आउट ऑफ 500? और रिसेसिव की कितनी है बताइए? 0.04, करेक्ट? नंबर ऑफ अलील्स इन अ जीन पूल, टोटल अलील्स कितनी है? 1000. डोमिनेंट भी रिसेसिव भी, यस, टू फॉर्म्स है ना अलील के, तो 1000. 640 डोमिनेंट, यस. देखिए एक 1D इज इक्वल टू 320 ना, तो दो कितना होगा? 640, करेक्ट? ये कितना निकलेगा? यस, 20 है एक का स्मॉल d, ऐसे सॉल्व करते हैं स्मॉल d 20, तो 2D कितना निकलेगा? स्मॉल d 20, तो 2D निकलेगा 40. तो ये क्या हो गया? कैपिटल d स्मॉल d, कैपिटल d स्मॉल d, 160. इज दैट क्लियर? Is that clear? Right? Is that clear? Yes. तो ये 160 तो capital D का है, correct everybody? तो small d का कितना होगा? Right? 40. Total कितना बन जाएगा? 200 out of 1000. Two times multiply करोगे ना आप उसको?
समझ में आ रहा है? आप उसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे. इज दैट क्लियर? यस, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो वैल्यू इतनी आ जाएगी. यस, 0.8D और 0.2D. एनी डाउट्स? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? बताइए, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस, समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीबडी? वेरी गुड. तो यहां पे अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको और डिटेल में करवाती हूं. ठीक है, चलिए. यस, ये आपने एलील फ्रीक्वेंसीज कर दी 800 और 200 बाय 1000. यस, 640 और 160 ऐड करके बन गया 800. कैपिटल डी की फ्रीक्वेंसी, कंफ्यूज मत होना बच्चों, प्लीज. यस, कंफ्यूज मत होना. ये आपका कैपिटल डी की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 3 बार आ रहा है. सो 640 और ये आ रहा है 160, टोटल 800. कैपिटल डी की फ्रीक्वेंसी इतनी है. स्मॉल डी कितनी बार आ रहा है? एक बार इधर, दो बार इधर. यस, उधर कितना है? 40. इधर कितना है? 160. फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? इसीलिए मैं कह रही थी इसमें 40 ऐड करो. कंफ्यूज मत होना. समझ में आया? ये देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसे नहीं पढ़ाता है. सो 640 आपको इनका मिला, कैपिटल डी, कैपिटल डी का. इस कैपिटल डी का मिला 160, टोटल बन गया 800 बाय 1000 इज इक्वल टू 0.8 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल डी. दो बार डी उधर आया 40, एक डी का 20, दो डी का 40 एंड 1D फ्रॉम हियर. सो इट्स 160 प्लस 40 इज इक्वल टू 200 आउट ऑफ 1000. That's the total frequency of the genes. So 200 out of 1,000 divided by 1,000, value is 0.2D. Cool, everybody. So this is how you calculate frequency. This is very important. Click a snapshot again. Very, 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 very important. Cool? Chaliye. So frequency of dominant allele, capital D is, let's move this to this side, empty space pe, aur hum isko padhte hain. ठीक है, चलिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज, यहीं से इसको ओपन कर लेते हैं, चलिए पेन को. चलो, 80% इज इक्वल टू पी. 80% ऑफ एलील्स इन द पेपर्ड मॉथ पॉपुलेशन आर कैपिटल डी, 20% आर स्मॉल डी. इज इट क्लियर? तो वैल्यू निकालिए, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 100%. मैंने आपको बोला कॉन्स्टेंट रहेगा. देखिए आप, 80%, 20%, 100%. Is that clear? Capital D की value 80%, small D की value 20%. Yes, देखो कैसे आया था. ये देखिए क्या यहां आया, 0.8 और 0.2. तो capital D की value कितनी है? 80. Small D की value कितनी है? 20. Total value कितनी बन गई? 100%. It's a constant. ये देखिए, is it clear? होमोजाइगस रिसेसिव प्लस हेट्रोजाइगस PQ प्लस होमोजाइगस रिसेसिव इज इक्वल टू 100%. 0.64, 0.32, 0.04. यही तो आया था 643204. देखिए, दोबारा देखिए, करिए. यस, 0.64 नंबर के हिसाब से, 0.32, 0.04 वैल्यू क्या रहनी चाहिए? कॉन्स्टेंट. इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको हाई फाई लेवल के MCQs दूंगी ऑन हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, विल यू बी एबल टू डू देम? बताइए, अगर मैं आपको हाई फाई लेवल के MCQs दूंगी ऑन हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, विल यू बी एबल टू डू देम? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. समझ आया तो मजा आएगा तो समझ आएगा. यस, कर लोगे ना? चलिए, फैक्टर्स जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या क्या चीजें हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करती हैं? जीन फ्लो. देखो बेटा, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि द नंबर ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कोई जीन आ रही है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए. ऐसा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है. अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत भी चेंज हो रही है तो बट ऑब्वियसली एवोल्यूशन होगा, चेंज होगा. जीन फ्लो, मान लीजिए इंडिया से लोग यूएस जा रहे हैं, ठीक है, मान ली, तो इंडिया की पॉपुलेशन तो कम होगी ना, यहां पे जीन्स कम होंगे बिकॉज यहां से लोग उठ के यूएस जा रहे हैं. और यूएस में वैरायटी, या जिसे हम कहते हैं कि अलग अलग एथनिसिटी के लोग बढ़ेंगे बिकॉज वहां पे दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं.
Are you getting? So, जिस जगह से exit हो रहा है, इंडिया से लोग US जा रहे हैं, emigration, यहां से population का exit हो रहा है, emigration, और जहां पे लोग पहुंच रहे हैं, आई इमिग्रेशन, करेक्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट एक चांस इवेंट है. क्या है? एक चांस इवेंट. मान लो कि एक बहुत बड़ा सा मीटियोराइट अर्थ में आता है, और आई होप ये कभी ना हो, पर वो बड़ा सा मीटियोराइट टकराकर इंडिया पर गिर जाता है, तो इंडिया पूरा क्रश हो जाता है, मान लीजिए. ठीक है, किसी और देश के बारे में क्यों बोलना, तो अपने देश के लिए ही जो बोलते हैं, राइट? सो इज इट अ चांस इवेंट? मीटियोराइट कहीं भी आ सकता था, कभी भी. इट्स अ चांस इवेंट कि वो आया और इंडिया को ही उसने क्रश कर दिया, राइट? सो जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था सीवॉल राइट. इट इज अ चांस इवेंट. जस्ट बाय चांस कभी को जंगल में आग लग गई, तो एक पर्टिकुलर लेक के पास ही सांभर रहते थे. सांभर इज अ टाइप ऑफ डियर. वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए, वो जल गए. सो दिस इज अगेन अ चांस इवेंट. म्यूटेशन, सडन चेंज, जिसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई. सडनली, मान लीजिए सडनली सारे ह्यूमन बींग्स जो पैदा होने लगते हैं, उनका कॉकिक्स डेवलप हो जाता है, उनकी टेल आ जाती है. सो नाउ कैन यू सी, सडनली फ्रॉम नो टेल टू टेल, दैट मीन्स जीन फ्रीक्वेंसी हैज चेंज्ड. रैंडम मेटिंग, राइट? ये इफेक्ट. रैंडम मीटिंग होनी चाहिए. अगर रैंडम मीटिंग नहीं होगी, जैसे मैंने आपको क्लास के शुरू में बोला था, आप सिर्फ टॉल लोगों को मेट करवाइए, ड्वार्फ लोगों को मेट मत करवाइए, तो जीन फ्रीक्वेंसी कैपिटल टी की बढ़ जाएगी, एंड नेचर देन फाइनली विल सिलेक्ट द वन विच इज द बेस्टेस्ट. चलिए, सो कैन वी सी, अगर मैं इनको हटा दू, स्मॉल डी को हटा दू, मान लीजिए आप डायग्राम देखिए कितना अच्छा, आप इसको हटा दीजिए, राइट? इसको हटा दीजिए, स्मॉल डी को. सो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल डी विल इंक्रीज. आपको दिख रहा है, ये एक ग्रे बनी इधर आ रहा है, ब्राउन बनी ग्रे बनी से मिलने आ रहा है, दैट्स जीन फ्लो. यहां से एग्जिट हो रहा है, ये इधर आ रहा है, इधर इमिग्रेशन होगा और इधर से एग्जिट हुआ है, एमिग्रेशन होगा. इज दैट क्लियर? म्यूटेशन इज अ सडन चेंज, करेक्ट? नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सिलेक्ट करता है. ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसमें मान लीजिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन है, इसमें प्लास्मिड है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन है, तो नेचर ने इसको चुन लिया, और देखिए ये कितना ज्यादा बड़ा हो गया. नेचुरल सिलेक्शन. जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चांस इवेंट. अगर ये अकेला एक बेचारा मर गया, या ये अकेला किसी चांस की वजह से रह गया, तो ये मेट नहीं कर सकता और ग्रीन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. इट इज अ प्योर चांस इवेंट. तो चलो आगे बढ़ते हैं, और ये सारे के सारे फिनोमिनन्स जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, मैं आपको डिटेल में करवाती हूं. डन, चलो लेट्स स्टार्ट. यस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. कम ऑन, जीन माइग्रेशन आपको पता है, एक जगह से पॉपुलेशन में किसी और जगह एंट्री हो जाना जीन का. जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और गैमिट्स और स्पोर्स बिटवीन पॉपुलेशंस. तो इससे निकल रहा है, तो यहां से क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है ना, तो यहां पे होगा एमी, और यहां एंटर कर रहा है, करेक्ट एवरीबडी, जहां से एग्जिट हुआ. सो यहां पे पॉपुलेशन कम हो जाएगी, यहां से ये भी आ गया, तो धीरे धीरे इधर जीन फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और यहां बढ़ती जाएगी. वही हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को छोड़कर लोग डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहे हैं. सो जहां आप जीन माइग्रेशन कहते हो, उसको हम नॉर्मल टर्म्स में ब्रेन ड्रेन कह सकते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें. चलिए आगे बढ़ते, जेनेटिक ड्रिफ्ट. सो बाय चांस, इट्स अ चांस फिनोमिनन. It was discovered by a scientist whose name was Sewall Wright. Don't think ma'am toffee kha rahi hai. I know aapko awaaz aa rahi hogi. Ye mat sochiyega ma'am toffee kha rahi hai. Ma'am sara din class leti hai, maje se toffee khati rehti hai. Ma'am toffee nahi khati hai bilkul bhi. Par ma'am ka gala jo hai wo itni zyada aapko mehnat se padhane ki wajah se aajkal regular kharab rehta hai. Yes, regular kharab. तो इसीलिए मैम क्या खा रही है, विक्स की गोली खाओ, सारा दिन बायो पढ़ाओ. यस, चलिए. जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी दैट अकर्स प्योरली बाय चांस. इज दैट क्लियर? राइट. सो ये देखिए, ये ग्रीन कम हो गए, ये अगर ये आगे जा रहा है और उसने मेट कर लिया वहां किसी ब्राउन के साथ, या इसको किसी ने स्टैंप कर दिया, इसके ऊपर किसी ने पैर रख दिया, इसके ऊपर स्टैंप कर दिया,
तो बाई चांस किसी जंगल में आग लग गई, बहुत सारे स्पॉटेड डियर्स एक साथ थे, सारे स्पॉटेड डियर मर गए. राइट बहुत सारे बर्ड्स एक साथ माइग्रेट कर रहे थे एक स्पीशीज के. मान लीजिए साइबेरियन क्रेन थी, साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से भरतपुर बर्ड सेंचुरी माइग्रेट करी थी. भरतपुर बर्ड सेंचुरी में पेस्टिसाइड डाला हुआ था, तो 100,000 साइबेरियन क्रेन सडनली बाय चांस मर गए. इट्स नॉट चांस हियर, इट इज एंथ्रोपोजेनिक, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने ऐसा किया है. बट बाय चांस अगर कुछ होता, साइक्लोन आ गया, सारी साइबेरियन क्रेन मर गई, गॉड फॉरबिड ऐसा हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो बाय चांस अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजेस फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ अलील. पर ये बहुत, अगर मान लो यहां पे 200,000 ग्रीन और 300,000 ब्राउन होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर 100-200 मर भी जाए, आप सोचिए ह्यूमन बींग्स इतने ज्यादा है, अगर साइक्लोन आ जाए और 10-15 ह्यूमन बींग्स मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ह्यूमन बींग्स का नंबर बहुत ज्यादा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर ये उनको अफेक्ट करता है जिनका नंबर बहुत कम होता है. तो ये स्मॉल पॉपुलेशन साइज में अफेक्ट करता है, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन साइज में अगर बाई चांस कुछ हो जाए तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है. दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. Is that clear? So natural disaster kills 5 green frogs. तो ये देखिए यहां पे सिर्फ 10% था, right? देखो जीन फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है. ब्राउन वाला जो है वो सिर्फ 10% था. नेचुरल डिजास्टर इज चांस इवेंट. जैसे मैंने बोला था साइबेरियन क्रेन्स जो है बेचारी, अगर मान लीजिए उनको साइक्लोन में गृहस्थ हो जाती है, वो इट्स अ चांस इवेंट. तो 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ 2-3 रह गए. तो इसकी पॉपुलेशन टोटल में इसका नंबर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ गई. सो सी वॉल राइट इफेक्ट इज अ चांस इवेंट, जहां जस्ट बाय चांस हम जीन फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर एवरीबडी? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अब आ जाइए बॉटलनेक फिनोमिनन पे. बॉटलनेक समझाने से पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाली हूं. तो आपको पता है कि हम सबके पास जीन्स होती हैं, और जितनी हमारे पास जीन्स होती है उसको हम जीन पूल कहते हैं. क्या कहते हैं हम? जीन पूल. क्या कहते हैं? जीन पूल. सो बहुत देर पहले एक आपके पास सील्स थी, अटलांटिक ओशन में रहती थी. अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन. तो अटलांटिक ओशन में रहती थी और वो सील्स थी. सील्स क्या थी? सील्स. नॉर्थ अटलांटिक ओशन में और साउथ अटलांटिक ओशन में क्या थी वो? सील्स. व्हाट वर दे? सील्स. तो इनकी बहुत 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 बुरी तरह से हंटिंग हुई. करेक्ट एवरीबडी? बहुत बुरी तरह से इनकी हंटिंग की गई, इनको पूरी तरह मारा गया, इनकी हंटिंग. तो मान लीजिए ये 500,000 सील्स थी, 500,000, और इनकी इतनी हंटिंग हुई कि ये सिर्फ 50 सील्स रह गई. और तब सब लोग जाग गए कि ऐसा ना हो सील्स एक्सटिंक्ट हो जाए. तो आपको दिखाई दे रहा है कि 500,000 कितना बड़ा नंबर होता है, और उनकी हंटिंग करते 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 उनको सिर्फ 50 सील्स तक लेकर आ गए. यहां पे थी 500,000 सील्स, हंटिंग की वजह से रह गई सिर्फ 50 सील्स. इज दैट क्लियर? सिर्फ 50 सील्स रह गई. तो अब ये जो 50 सील है ना बच्चों, ध्यान से सुनो, ये जो अभी 50 सील्स हैं, सिर्फ 50 सील्स हैं, राइट एवरीबडी? तो ये जो 50 सील बचे रह गए, इनको बहुत प्रोटेक्ट किया गया और इनका नंबर फिर से इंक्रीज करवाया गया, क्योंकि इनकी बिल्कुल हंटिंग बंद कर दी गई. दे वर वेरी स्ट्रिक्ट लॉज विच वर पास्ड, वेरी स्ट्रिंजेंट लॉज विच स्टॉप्ड देयर पोचिंग एंड देयर हंटिंग. सो देयर नंबर इंक्रीज अगेन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर नंबर इंक्रीज, देयर numbers went back up again. But अगर इससे दोबारा आप नंबर बढ़ाओगे भी, yes, मान लीजिए आपने इंक्रीज कर दिया दोबारा नंबर, आपने बढ़ा दिया, बट वो यही 50 होगा ना, यही 50 तो बढ़ेगा. देखिए, सो दिस इज बॉटलनेक फिनोमिनन, जहां बहुत हाई जीन वेरिएशन को, बहुत हाई जीन वेरिएशन था, द जीन वेरिएशन वॉज वेरी हाई. प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. यस, इट इज अ हॉट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत हाई जीन वेरिएशन को आप बहुत छोटे मर ले आए हो, दैट इज कॉल्ड एज बॉटलनेक फिनोमिनन. देखिए इस डायग्राम को, कम ऑन, देखिए, राइट? तो देखिए ओरिजिनल पॉपुलेशन में कितनी वेरिएशन है, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है, पर्पल है, राइट? और यहां पे बॉटलनेक में सिर्फ पर्पल आ रहा है. सो अब ये देख रहे हो सर्वाइविंग पॉपुलेशन में वेरिएशंस कम हो गई. कैन यू सी ऑरेंज इन द सर्वाइविंग पॉपुलेशन? कैन यू सी एनी ऑरेंज इन द सर्वाइविंग पॉपुलेशन? दैट इज बॉटलनेक फिनोमिनन, जहां जीन्स का नंबर आप बहुत जीरो डाउन करके कम कर देते हो. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? परफेक्ट. चलो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट
देखते हैं, द बॉटल नेक इफेक्ट। ओरिजिनल चीता पॉपुलेशन में देखिए कितने कलर्स हैं, कितने कलर्स हैं। आप सिर्फ ये देखिए और कुछ नहीं आपने देखना, ओरिजिनल चीता पॉपुलेशन आप देखिए, वेरिएशंस एक बार देखो तो सही कितनी ज्यादा है। जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ वेरिएशंस, कितनी ज्यादा है। तो आप यहां दिख रहे हैं सिर्फ चार रह गए कलर्स, कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट, सिर्फ चार। यस ये, और अब दोबारा वो इंक्रीज हो रहा है, आप चीता को ब्रीड कर रहे हो इंक्रीज, पर आपको इतनी कलर्स नजर आ रहे हैं कि आपको कलर्स का मतलब है इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, कि आपको इतनी वेरिएशन नजर आ रही है, बिल्कुल नहीं। सो उतनी ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिल रही है। द बॉटल नेक इफेक्ट लीड्स टू अ लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी वेयर अ पॉपुलेशन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज हो सकता है बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, प्रिडेशन, प्रे प्रिडेटर रिलेशनशिप, हैबिटेट रिडक्शन, जिसके लिए सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार है, ह्यूमन बीइंग। बॉटलनेक इफेक्ट कॉजेस सिवियर रिडक्शन इन टोटल जेनेटिक डाइवर्सिटी। इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी जीन्स हैं, आपने इतना उनका हंट कर दिया, उनका नंबर इतना श्रिंक हो गया कि इनकी नंबर ऑफ जीन्स बहुत कम रह गई। ऐसा नहीं है एक ऑर्गेनिज्म में जीन्स कम हो जाएंगी, टोटल जीन पूल कम हो जाएगा ना। अब करोड़ों ह्यूमन बीइंग्स हैं तो जीन पूल कितना ज्यादा है, सिर्फ 10 चीता अगर बचेंगे तो उनका जीन पूल तो बट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। सो मेजर रीजन इसका है हंटिंग। इज दैट क्लियर? चलिए तो एक मजेदार सा क्विज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑन योर स्क्रीन क्विज नाउ, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशंस, एक पॉपुलेशन के अंदर अगर जीन फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस हैं, दिस इज द की वर्ड। कम ऑन मेरे बच्चों बताओ, रादर देन बाय नेचर सिलेक्ट नहीं कर रहा, नेचर नहीं सिलेक्ट कर रहा, क्या कहते हैं उसको बताइए। 5, 4, 3, 2, 1, and I know you've already answered there on the screen. Yes, 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 yes. It is also called a seawall right effect. Yes or no? Seawall right effect. Done everybody? Seawall right ne discover kiya tha, isko seawall right effect kehte hain. It is by chance alone. Maine aapko kitne sare chance ke examples diye hain. Let's now come to the founder effect. Founder effect kya hai? मान लीजिए अगर मैं जाकर कहीं पर कोई नई एस्टैब्लिशमेंट या नई पॉपुलेशन शुरू करती हूं तो उस एरिया का फाउंडर मुझे कहलाया जाएगा। बहुत पहले डच लोग नीदरलैंड्स के हॉलैंड के एक शिप में सेल करते करते अफ्रीका गए थे। अफ्रीका के कोस्ट में उन्होंने जाकर देखा, अफ्रीका के कोस्ट में उन्होंने गए और वो लैंड किए और उसको कॉलोनाइज करना शुरू किया। बाय चांस उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई और वो दोबारा कभी वापस नहीं जा सके और वहीं सेटल हो गए। तो वो डच लोग जो नीदरलैंड और हॉलैंड से आए थे, जो अफ्रीका में सेटल हो गए, उन लोगों को हमने अफ्रीकनर पॉपुलेशन कह दिया। क्या कह दिया? अफ्रीकनर। क्या उन्होंने वहां पे नई पॉपुलेशन शुरू की? यस। तो वो वहां के फाउंडर्स हो गए। गजब की बात तो ये है कि उनमें से मैक्सिमम लोगों को हचिंसन्स डिजीज थी। कौन सी डिजीज थी? हचिंसन्स डिजीज। तो उन्होंने वहां जाकर जब उन्होंने शुरू किया वहां रहना, उन्होंने यूजुअली इंटरमैरी करना शुरू कर दिया, कोसैंग्विनस मैरिजेस आपस में, जिसकी वजह से हचिंसन्स डिजीज की परसेंटेज वहां बहुत इंक्रीज हो गई। दिस इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रोड्यूसेस द फाउंडर इफेक्ट व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल्स कॉलोनाइज अ न्यू हैबिटेट। तो जब एक छोटा सा ग्रुप कहीं जाता है और नई पॉपुलेशन एस्टैब्लिश करता है, तो जो न्यू पॉपुलेशन होती है वो ओरिजिनल पॉपुलेशन के जैसी होती है। आज वहां पे जो लोग हैं उनको अफ्रीकनर पॉपुलेशन कहते हैं। उनके एंसेस्टर्स उस शिप में आए थे, डच थे, बट क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंटरमैरी किया था, तो जो उन फाउंडर्स की जीन्स थी, वो फाउंडर्स की जीन की परसेंटेज अफ्रीकनर पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा हो गई। फाउंडर इफेक्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट वेयर रेयर अलील्स और कॉम्बिनेशंस आकर इन हायर फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बोला कि जो अफ्रीकनर पॉपुलेशन आई थी उनमें से कुछ लोगों को हचिंसन्स डिजीज थी, क्योंकि उन लोगों ने आपस में मैरी किया। मान लो जो लोग आए थे उनको हीमोफीलिया था, क्योंकि उन लोगों ने आपस में मैरी किया इसीलिए हीमोफीलिया या वो डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती। चलिए इसका स्नैपशॉट लीजिए, चलिए। Yes, come on, take a snapshot. So about 200 followers of the Amish denomination immigrated to North America from Switzerland. Right? Amish log North America hai, Switzerland. So in logo mein bhi ye polydactyly dekhi gayi. Zyadatar Amish log aapas mein hi shaadi karte the. To inko genetic disorders hua, short limb dwarfism.
एक्स्ट्रा फिंगर, शॉर्ट लिम्ब थे, राइट? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर था, पर ये इतना ज्यादा उन लोगों में इसीलिए देखा गया क्योंकि क्योंकि उन लोगों ने आपस में रीमैरी किया. म्यूटेशन, म्यूटेशंस वो जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो सडन होते हैं. ये थियोरी ह्यूगो डी ब्रीज़ ने दी थी. एक्स रेज हो गई, कॉस्मिक रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, फिनाइल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, दे कैन ब्रिंग अबाउट सडन जेनेटिक चेंज इन अ पर्सन, राइट? सो म्यूटेशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशनरी चेंज. अगर कोई भी सडन चेंज होगा जिसकी वजह से न्यू ऑलियंस क्रिएट होंगी, इट कुड बी अ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन. म्यूटेशन ज्यादातर लीथल होती है, ज्यादातर डेल्टीरियस होती है, कई बार दे कैन बी बेनिफिशियल और न्यूट्रल, राइट? नहीं, अगर म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो जाए, अगर म्यूटेशंस गैमीट्स में हो जाए, राइट, नए फिनोटाइप्स क्रिएट करें, एक्यूमुलेट होती रहे, तो हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे कैन इवन लीड टू स्पीसिएशन. पर इसका होना बहुत रेयर है. क्या है? रेयर. इज दैट क्लियर? क्योंकि ज्यादातर लीथल होती है, एटाविस्टिक होती है, पुरानी तरह ले जाती है. डन, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो म्यूटेशंस इज क्लियर, अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं. रैंडम मेटिंग, मेटिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए? रैंडम. अगर मैं मान लो इन छोटे लाइट वालों को मेट नहीं करवाती हूं, सिर्फ डार्क वालों को मेट करवाती हूं, तो बट ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियसली बात है, बहुत ऑब्वियसली बात है कि जो लाइट वालों को अगर मैं मेट ना करवाऊं तो इनका जो नंबर है वो ओवरऑल कम हो जाएगा. सो ड्यूरिंग नॉन रैंडम मेटिंग इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन सिलेक्ट मेट्स ऑफन ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप्स. टॉल वाले अगर मेट नहीं करेंगे तो ड्वार्फ स्मॉल टी का लेवल बढ़ जाएगा. अगर ज्यादा ड्वार्फ लोग मेट करेंगे तो कैपिटल टी का लेवल कम हो जाएगा. नॉन रैंडम मेटिंग इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन बट डज नॉट अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स. मेटिंग हमेशा एब्सोल्युटली रैंडम होनी चाहिए, कोई कहीं से भी मेट करे. अगर रैंडम मेटिंग हो रही है तो ही पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू वन. अगर आप सिर्फ पीज को मेट करवाओगे तो क्यू और टू पी क्यू नहीं आएगा. सो मेटिंग शुड बी रैंडम, डोमिनेंट, रिसेसिव, हेट्रोजाइगोट्स, पूरी पॉपुलेशन में तीनों के तीनों पाए जाने चाहिए. Is that clear? चलिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. मैकेनिज्म ऑफ स्पीसिएशन, स्पीसिएशन कैसे होती है? फाइनली स्पीशीज नहीं कैसे बनती है? एक स्पीशीज को आप आइसोलेट कर दीजिए अलग, या तो आप ज्योग्राफिकली आइसोलेट कर दीजिए जहां आपने उनको दो अलग अलग आइलैंड्स पे रख दिया. फॉर एग्जांपल, डार्विन की जो फिंचेस थी वो मेनलैंड से गैलापागोस के दो अलग अलग आइलैंड में चली गई, वो कहलाता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. एक आइलैंड वाली स्पीशीज दूसरी से मिल ही नहीं पाई, और क्योंकि वो मिल नहीं पाई इसीलिए ऑब्वियसली आपस में मेटिंग नहीं हुई और थोड़ी देर बाद वो अलग अलग स्पीशीज बनकर तैयार हो जाएंगे. हो सकता है एक काउ कभी भी एक डॉग से मेट नहीं कर सकता या डोंकी हॉर्स से मेट नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. नंबर ऑफ गैमीट्स आर डिफरेंट, सो कभी भी गैमीट्स एक साथ मेटाफेज प्लेट में नहीं लग सकते. इसीलिए जो म्यूल हम बनाते हैं वो आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाते हैं, और म्यूल हमेशा स्टेराइल होता है. सो आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन, सेपरेशन ऑफ सिंगल पॉपुलेशन इंटू स्मॉलर सब ग्रुप इज कॉल्ड आइसोलेशन. अगर आप ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सके, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. बीच में समुद्र आ गया, जियोग्राफिकल आइसोलेशन. टेम्पोरल, अगर और यू नो जो भी ऑर्गेनिजम्स है फीरोमोन सिक्रीट कर रहे हैं, सेंट, दूसरे ऑर्गेनिज्म को पता ही नहीं चल रहा है. फर्टिलाइजेशन, एंटी फर्टिलाइजेशन, जो मैंने थोड़ी देर आपको प्लांट में पढ़ाया था थोड़े दिन पहले. एंड जेनेटिक आइसोलेशन, अलग अलग जीन्स है, कोई नॉक्टर्नल है, कोई डायर्नल है, राइट? यहां वो भी आएगा, एक रात को मेट करता है एक दिन में. सो स्लीपिंग पैटर्न्स, फॉरेजिंग पैटर्न्स, हंटिंग पैटर्न्स, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट. लेट अस लुक एट दिस इनटू मोर डिटेल. ये है आपके मैकेनिज्म्स ऑफ स्पीसिएशन. ज्योग्राफिकल आपको दिख रहा है ये माउंटेन रीफ, कितना अमेजिंग फोटोग्राफ है, देखो तो सही स्लाइड्स. इस तरफ पर्पल फ्लावर्स, इस तरफ येलो, बीच में आ गया ये पहाड़. क्या वो आपस में एक दूसरे से मेट कर पाएंगे? मान लीजिए बहुत, कैन दीज बीटल्स क्रॉस दिस एंड गो, तो ये इस तरफ चले गए, ये इस तरफ. ये डायग्राम सब कुछ क्लियर कर रहा है अबाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन. सो ब्यूटिफुल. ये दोनों मेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज इतना बड़ा माउंटेनियस रेंज है, वो छोटे से बीटल्स जा नहीं पाएंगे बिकॉज देयर इज अ रिवर और अ स्ट्रीम. सो दे आर सेपरेटेड बाय अ फिजिकल बैरियर, लेक, ओशन, माउंटेन, दैट इज कॉल्ड एज
जियोग्राफिकल आइसोलेशन. चलिए लेट्स मूव अहेड. टेम्पोरल. यस, टू स्पीशीज हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पीरियड्स और ब्रीडिंग सीजन. आपको पता है लोअर ऑर्गेनिजम्स को कैसे पता चलता है कि ब्रीडिंग सीजन और रिप्रोडक्टिव सीजन आया है? दे हैव हॉर्मोन्स विच आर रिलीज इन द एयर जिनको फीरोमोन्स कहते हैं. सो ईस्टर्न स्पॉटेड स्कंक एंड वेस्टर्न स्पॉटेड स्कंक, ये बहुत गंदी स्मेल भी मारती है स्कंक. यस, दे ओवरलैप इन रेंज, इनका एरिया सेम है, बट ईस्टर्न वाली विंटर में मेट करती है और वेस्टर्न वाली समर में. तो इनके फीरोमोन सिक्रीट करने का टाइम, इनका एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने का टाइम बहुत अलग है. दैट इज टेम्पोरल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. देखो बच्चों, नेचर कितना ग्रेट है. हर एक चीज को उसने आइसोलेट किया है. जेनेटिक आइसोलेशन. स्पर्म ऑफ वन स्पीशीज में नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज अदर. मैंने आपको प्लांट्स में जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, फर्टिलाइजर एंड एंटी फर्टिलाइजर, जो एक स्पीशीज जहां भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स जो है वो अपने एग्स और स्पर्म्स पानी में, तो दो स्पीशीज के कैसे मिलेंगे? फर्टिलाइजर एंटी फर्टिलाइजर. सी अर्चिन्स डू नॉट मेट, वो अपने गैमेट्स को ओशन में डाल देते हैं, पर जो स्पर्म्स और एग्स जहां पे फ्यूज करते हैं जायगोट बनाने के लिए. राइट, द जायंट रेड अर्चिन एंड पर्पल अर्चिन कोहैबिट द रॉकी इंटरटाइडल रीजन इन वेस्टर्न यूएस, बट दे डू नॉट इंटरब्रीड. इनके जो रेड अर्चिन है और जो पर्पल अर्चिन है, इन दोनों के गैमिट्स आपस में आते ही नहीं, क्योंकि एक का फर्टिलाइजर दूसरे के एंटी फर्टिलाइजर से, जिसका फर्टिलाइजर इसके एंटी फर्टिलाइजर से मेल नहीं खाता. सो स्पीशीज इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन्ड रहती है. Is that clear? Right? That is genetic isolating mechanism. और finally हो जाएगी आपकी speciation. Ancestral थी, ये stock अलग हुआ, ये stock अलग हुआ. मान लो इसने जो है वो seed खाना शुरू किया, मान लो इसने नेक्टर सक करना शुरू किया, और मान लो इसने इंसेक्ट्स खाना शुरू किया. सो ऑब्वियसली तीनों में अलग अलग चेंजेस हो जाएंगे. बहुत हाई लेवल का बड़ा मैक्रो एवोल्यूशन हो जाएगा. चलिए करते हैं क्विज सॉल्व. फॉर होमोजाइगोट्स एक्सपेक्टेड जीनोटाइप क्या है? होमो हेटेरो नहीं, होमोजाइगोट्स. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, P square. Capital. Yes, AA के लिए. Right, अब आ जाइए आप amazing mind map पे, जिसकी वजह से हम आज की सारी क्लास एकदम next level तक clear कर सकते हैं. चलिए yes, शुरू करें. पहले इसका snapshot लीजिए. So I hope आपने इसका snapshot ले लिया. जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रैंडम मेटिंग, नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन सबसे इजी है. मैं आपको अलग से भी पूरा कार्बन वगैरह करवाऊंगी. यस, तो जब नेचर सिलेक्ट करेगा, देखिए रेड वाले में हो गया था प्लास्मिड. प्लास्मिड ने दे दिया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया. दैट्स कॉल्ड योर नेचुरल सिलेक्शन, अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स और फिनोटाइप्स दैट पोजेस फेवरेबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, नेचर उनको सिलेक्ट करता है. नॉन रैंडम मेटिंग कैन अकर व्हेन इंडिविजुअल्स प्रेफर मेट्स विद पर्टिकुलर सुपीरियर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बाय द प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स टू मेट विद इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स. तो नॉन रैंडम अगर होगा तो हम एक सिलेक्शन करेंगे, पर अगर रैंडम होगा हम किसी भी चीज को चूज नहीं करेंगे और सबकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. जीन फ्लो, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन. स्मॉल पॉपुलेशंस में चांस इवेंट सी वॉल राइट इफेक्ट, और म्यूटेशन इज सडन हेरिटेबल चेंज. सो आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस अमेजिंग माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप जिसे हम कहते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट हो गए नेक्स्ट लेवल क्लियर. यस, सो विद दैट थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉयड, लव, लाइक टुडेज लेक्चर. आई एम गोइंग टू सी यू लाइव वेरी 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 सून. कीप द लव फ्लोइंग, डोंट गो एनीवेयर, अंडरस्टैंड एवरीथिंग. Vedantu_Biotonic. कूल, डोंट फॉरगेट टू शो सम लव प्लीज, वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर अमेजिंग चैनल. बाय किड्स.